मैं हूँ आपके साथ दीपक बदौरे और करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर दक्षिण के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट को जनहितेशी व समृद्ध भारत निर्माण का बजट बताया। साथ ही कहा है कि देश के इतिहास में पहली बार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए 100 लाख करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में उल्लेखित महिलाओं को जनधन खाते से 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करने की योजना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। ये बजट बहुत दूरगामी बजट है और देश की आर्थिक प्रगति को देश में किसान, नौजवान, महिलाएं, गरीब, मजदूर सबको विकास देने वाला बजट है। इस बजट में एक बड़ी चीज सबको घर बनाने के लिए जो 2 लाख रुपए की ब्याज की छूट थी उसको 3.5 लाख रुपए किया गया है। ये मुझे लगता है कि जो बेघर हैं, जिनके घर, जिनके सर के ऊपर में छत नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ा काम है।